तो चलिए ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x² + 3y + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 से है, बहुपद चैप्टर से है। इस प्रकार के आप क्वेश्चन पढ़े होंगे। देखिए छोटे वालों को क्या करेंगे, y + 2 को px मानेंगे। px बराबर कितना हमारा दिया हुआ है, तो y + 2। और gx बड़े वाला को मानूंगे, तो यहाँ पे gx बराबर कितना हो गया, 2y² + 3y और प्लस में 1। अब क्या करेंगे कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे, यानी कि छोटे वाले को बड़े वाले बहुपद से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y+2, और जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह से लगाएंगे, 2y² + 3y + 1, और उसी प्रकार से अब भाग लगाएंगे। भाग ऐसा लगाएंगे कि पहला वाला पूरा पूरा कट जाए, जैसे मैं दो दो आई स्क्वायर है, ये पूरा पूरा कट जाए। तो कितना से लगाएं कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से अगर जो लगाते हैं तो 2y होता है सिर्फ, अगर जो वाई और लगा देते हैं तो y² हो जाता है, तो ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ देखिए 2y और यहाँ वाई, तो 2 2y में वाई से गुना होगा तो 2y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी हम प्लस से ही लगाएं क्योंकि प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है, और प्लस यहाँ लिख लेंगे। 2 में या 2y से गुना होगा तो 2 दूना 4y। ठीक है, अब यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी माइनस, अगर जो यहाँ माइनस रहता तो प्लस करते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल है। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, इसी प्रकार से घटाएंगे। ये देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है यानी कि घटेगा। 4y में से 3y गया तो कितना बचा, 1y, यानी कि y बच गया, वो भी क्या बचा, माइनस में, क्योंकि बड़ा कौन है, 4, और 4 के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। और ऊपर में क्या बचा है, +1, तो +1 उतार लेंगे। ठीक है, अब कितना से भाग लगाएं कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो देखिए यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, क्यों ना हम 1 से लगा दें। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस यहाँ लगाएंगे और 1 से लगा देंगे। 1 में y से गुना होगा तो -y होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये पूरा पूरा कट गया, अब देखिए यहाँ प्लस तो प्लस 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 हो गया, अब यहाँ हो जाएगा 3। ये आ गया हमारा कितना, 3 आ गया। ये जो हमारा आया इसे हम लोग कहते हैं Rx, और ये जो हमारा है भागफल, भागफल को हम लोग कहते हैं क्यू एक्स। क्या कहते हैं, q(x). तो यहाँ पे लिख लेंगे q(x). हम लोग को चूंकि निकालना नहीं था कुछ, सिर्फ बोल रहा था भाग दें, तो भाग देकर हम लोगों को आ गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं q(x) बराबर कितना आ गया है, तो 2y और माइनस में 1 आ गया, यानी कि भागफल आ गया। r(x) यानी कि शेषफल कितना हमारा आ गया है, r(x) बराबर आ गया है 3। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, आप इतना कीजिएगा, आपको पूरा पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।